हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक स्पेशल जगह दिखाने के लिए। ये देखिए, यह सिद्धपीठ माँ दक्षिणकाली मंदिर। ये देखिए, ये दक्षिणकाली मंदिर है और इधर वो है चंडी देवी का रास्ता। तो मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ से आया था। ये जो सामने आपको दिख रहा है दक्षिणकाली मंदिर है और ये चंडी देवी का रास्ता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, हमने इसके अंदर जाना, मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, ये लिख रखा है यहाँ पे सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर जाने का मार्ग। और जो सामने है वो देखिए, ये चंडी देवी का पैदल मार्ग है। यहाँ से आप पैदल से जा सकते हैं। यहाँ से जैसे ये सामने ये गाड़ी आ रही है, यहाँ वो आगे जाके रोप वे होता है। जैसे आप पुल क्रॉस करेंगे तो राइट साइड जाएंगे तो रोप वे आ जाएगा। ये पैदल रास्ता चंडी देवी का। ये देखिए, तो ये दक्षिण काली मंदिर। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मिल जाएगा। यहाँ पे नवरात्रों के टाइम पे या उस टाइम बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये महाराज जी यहाँ के, इनका आश्रम है, मंदिर है ये। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा था। तो ये इसका एंट्री गेट है। यहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो देखिए, यहाँ से हम आए थे, जैसे मैंने बताया इधर जाएंगे तो जो रास्ता था वो आपको चीला साइड ऋषि के जाने में हो जाएगा। ये देखिए, ये काम चल रहा है। ये देखिए मंदिर का गेट, ये एंट्री गेट है सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर। बहुत फेमस मंदिर है ये, नीलधारा गंगा तट चंडी घाट। इसके पीछे चंडी घाट भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए, चलिए अंदर चलते। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप आराम से शांति से बैठ सकते हैं। एकदम बाहर बहुत गर्मी हो रही है लेकिन यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। ये देखिए, शाम को आरती वगैरह होती है। तो ये देखिए, तो अभी आगे भी दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, मंदिर तो शायद अभी बंद है। तो ये दिखा रहा हूँ, देखिए उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी अखंड ज्योति है। ये देखिए, ये हमेशा जलती रहती है। ये देखिए, बहुत बढ़िया, शायद आपको क्लियर। ये देखिए दोस्तों, अभी मंदिर बंद है, 5:30 बजे खुलेगा। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, मैं ये ज्योति दिखा रहा था आपको। ये देखिए, ये जल रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो आपको और दिखाता हूँ नज़ारा पीछे का। दोस्तों, मैं अभी आपको इधर, ये सीढ़ी तोड़ दी मैंने। दोस्तों ये देखिए, ये पीछे बैक साइड में आ गया हूँ मैं। ये गंगा जी का बैक साइड है। ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ भाई साहब। तो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये गंगा जी के मंदिर के बैक साइड का नज़ारा है। इसे नीलधारा बोलते हैं। जब हर की पौड़ी पे गंगा जल सूख जाता है, जैसे दिवाली के टाइम पे सफाई वगैरह करते हैं, जब हर की पौड़ी पे पानी रोक दिया जाता है किसी वजह से, तो हमेशा पानी को इधर डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो आपको जब भी कभी हर की पौड़ी पे पानी नहीं मिले तो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। ये देखिए, इस टाइम धूप वगैरह हो रही है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको व्यू दिखा दिया। मंदिर चलते हैं, मंदिर तो थोड़ा 5:30-6 बजे के करीब खुलेगा, खुल जाएगा तो दर्शन करा दूंगा। अगली वीडियो में हो पाएंगे, चलिए अंदर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हम आ गए हैं। अंदर भी रास्ता है। तो ये देखिए, जो दिखा रहा था आज मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, नीचे भी मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मंदिर में आ रखे हैं हम। एकदम शांति से तपस्या हवन सिद्धि के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर है, सब भगवान की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए,
ये भी है, बंद है अभी वो। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आप हवन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे सिद्धि होते हैं। ये देखिए ये धूनी जल रही है यहाँ पे। यहाँ पे आप पूजा पाठ जो भी करना चाहें शांति से कर सकते हैं। ये नीचे काली मंदिर। तो दोस्तों अभी मंदिर से बाहर आ गए हैं, मंदिर तो अभी थोड़ा बंद है, तो हमें कहीं और भी जाना था तो टाइम लगेगा। आज थोड़ा पता नहीं क्यों लेट खुलेगा, तो अंदर के दर्शन तो नहीं करा पाऊँगा। वैसे भी कैमरा शायद जहाँ पे मूर्ति पकड़ते वहाँ पे अलाउ है या नहीं। बाकी चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। ये देखिए सीट पीट, दक्षिण काली मंदिर, चंडीगढ़, नीलधारा। ये देखिए ये यहीं से एंट्रेंस है। मुझे नीचे गुफा वगैरह वहाँ पर भी गया था। और ये मंदिर के बाहर का कुछ दृश्य है। और ये लंगर हॉल है, यहाँ पे लंगर वगैरह चलता है। अभी जैसे भीड़ भाड़ हो जाएगी अब तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहेगा। ये महाराज जी हैं, स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी। और ये सामने मेन गेट है, तो यहाँ पे यात्री अभी आने शुरू हो गए हैं, लेट खुलेगा अभी। तो दोस्तों दिखा दिया मैंने आपको आज दक्षिण काली मंदिर, बस मेन दर्शन नहीं कर पाया, बाकी तो सब दिखा दिया मैंने आपको। जब भी आप आ रहे हैं हरिद्वार चंडी देवी आएँ, तो उसके पास ही है चंडी देवी का जो पैदल वाला रास्ता है ये वाला, तो उसके एकदम सामने है। जब आप चंडी चढ़ाई करेंगे तो सामने मिल जाएगा। जो भी यहाँ चंडी देवी जाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो आज मैंने आपको दक्षिण काली मंदिर के दर्शन करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।